हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कॉपर टेट्राएमीन का सिंथेसिस करने जा रहे हैं। कॉपर टेट्राएमीन का जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 10 mg कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को जो है 20 ml वाटर में डिजोल्व किया है। सबसे पहले आप 10 mg जो है कॉपर सल्फेट लें पेंटाहाइड्रेटेड और उसका एक क्लियर सॉल्यूशन बना ले। ये हमने एक क्लियर सॉल्यूशन इसका जो है बना लिया है। फिर आप क्या करें, 20 ml लिकर अमोनिया लें, 20 ml लिकर अमोनिया लें, एक्सेस में लें आप। जैसे कि रिएक्शन है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन यू कैन सी हियर, दिस इज पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद अमोनिया, 4 molecule अमोनिया, हम लिखेंगे एक्सेस अमोनिया के साथ फिल होता है, तो एक ब्लू कलर का पीपीटी मिलेगा और वो ब्लू कलर का पीपीटी जो होगा वो टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट का होगा, ठीक है। और ये टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट जो है मोनोहाइड्रेटेड मोलिक्यूल है। और आप, ये हमारे पास लिकर अमोनिया है और ये हमारे पास कॉपर सल्फेट है। जब क्लियर सोल्यूशन ये बन जाए, यानी कि पूरा कॉपर सल्फेट जो है वो डिजोल्व हो जाए, तो आप जो है लिकर अमोनिया लेंगे। लिकर अमोनिया को जो है ड्रॉप वाइज आप इसमें डालेंगे, ड्रॉपर मेरा नीचे ही दिया था, तो आप क्या करेंगे, फिर ड्रॉपर लें और लिकर अमोनिया को लें और फिर ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें ड्रॉप वाइज डालें और आप देखेंगे सडनली चेंज। यू कैन सी हियर डायरेक्टली पीपीटी फॉर्मेशन, यू कैन सी हियर दिस इज द पीपीटी, फास्ट ब्लू कलर पीपीटी इज गोइंग टू फॉर्म। यू कैन सी हियर पीपीटी, डार्क ब्लू कलर पीपीटी इज गोइंग टू फॉर्म व्हेन यू एड लिकर अमोनिया इनटू द कॉपर सल्फेट, देन ए डार्क ब्लू कलर पीपीटी स्टार्ट टू फॉर्म। आप ड्रॉप वाइज लिकर अमोनिया को डालते रहिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। मैंने 40 ml लिकर अमोनिया लिया है, मैं इसमें 20 ml डालूंगा। आप देख सकते हैं बहुत सारा पीपीटी जो है वो बॉटम की तरफ सेट हो रहा है। आप ड्रॉप वाइज डालते रहिए। एक बहुत पीपीटी सारा जो है वो बॉटम पर इकट्ठा हो गया है लेकर के। 20 ml ऐड करना है आपको लेकर अमोनिया, 20 ml सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसमें 10 mg कॉपर सल्फेट को जो है ऐड किया गया था। ऑलमोस्ट मैं 20 ml लिकर अमोनिया को ऐड कर चुका हूँ। अब आप देख सकते हैं कि आपकी बॉटम पर जो है, यू कैन सी हियर, यू कैन सी द बॉटम ऑफ द बीकर, पीपीटी हैज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। Then you need to filter out the precipitate. Then we can use funnel and conical flask and make like this stand, and then we can drop this. You can see the PPT is still on the bottom of the beaker. हो सकता है कुछ अमाउंट यहाँ पर अभी भी कॉपर जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में रहेगा। हो सकता है कुछ अमाउंट जो है अभी भी रिएक्टिव रिएक्ट ना किया हो, तो थोड़ा सा और लिक्विड अमोनिया इसमें जो है डाल दीजिए।
ताकि सभी जो है कॉपर कंपोनेंट जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर सके। आप इसे जो है फिल्टर कर रहे हैं, थोड़ा वेट करें जब तक ये पूरा फिल्टर नहीं हो जाता। बहुत माइन्यूट जो है साइज का जो है पाउडर फॉर्म मिलेगी आपको एक तरह का। You can see here the PPT on the filter paper. Now we can wash this PPT with ethyl alcohol. After washing this PPT with ethyl alcohol, then we can put this PPT in dry environment and then again wash with the ethanol and then can. I think ये filter हो गया है, अब जो filtrate आया है उसे dry करेंगे। We have already washed it with ethyl alcohol. You can see the PPT, good PPT is formed. You can take some filter paper to dry the PPT. I think this filter paper now you can open the filter paper to dry the PPT. अभी हम फिल्टर पेपर के थ्रू जो है इन पीपीटीज को ड्राई कर लेंगे और ड्राई करने के बाद हम इसे एक बार कोल्ड में स्टोर करेंगे दो घंटे के बाद, दो घंटे तक। फिर रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बाद फिर हम इसे इथेनॉल से फिर वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद फिर फाइनल जो पीपीटी होंगे हमारे उन्हें हम ड्राई करके स्टोर कर लेंगे और वो आपके जो है टेट्रामीन कॉपर सल्फेट के पीपीटी होंगे।